पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद कैप्टन कपिल कुंडू ने हमेशा अपने परिवार को कहा कि मेरे लिए वतन पहले है और आप सब बाद में। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले मात्र 23 साल के कैप्टन कपिल की सोच थी कि जिंदगी लंबी होनी चाहिए, हमेशा बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जी मीडिया से बात करते हुए कपिल की बहन ने भाई की कविता सुनाई, जिसमें छोटी उम्र से ही कैप्टन के देश की झलक दिखती है। कैप्टन की बहन ने सरकार से अपने भाई की शहादत का बदला लेने को कहा है, ताकि कोई और भी बहन अपने भाई के लिए आंसू ना बहाए। लेटेस्ट रिटर्न पोएम बाय मी। हाँ, क्या लिखा है? अपने लहू से सींचा है उन परवानों ने, यूं ही नहीं ये वादियां जन्नत कहलाती हैं। आज भी खड़ी है रूहे आशिक इन सरहदों पे, आजमाना है किसी को अपना जोर तो आए। पूछा खुदा ने काफी कत्ल किए हैं उस जहान में, बोला आशिक वतन हूँ गुनाहों की हर सजा मंजूर है। करके नम अपने चश्म बोले निजाम आलम, ऐसे दलेर आशिक से पहली दफा पाला पड़ा है। बोला खुदा कतार बहुत लंबी है अभी आने वालों की, कमी नहीं है मेरे मुल्क में उस पर मिटवाने वालों की। ये कविता कब भेजी थी कपिल ने आपके पास? दिसंबर में, ये दिसंबर में भेजी थी उसने मेरे पास। मैं हमेशा लड़ती थी ऐसी मत लिखा कर तू भाई, ऐसे लिखने से ऐसा मत लिखा कर भाई। कहता नहीं दीदी, आपको नहीं पता जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए दीदी, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तेरी लंबी जिंदगी चाहिए। बोला नहीं दीदी, मेरी तो जिंदगी बड़ी होगी, लंबी नहीं होगी। कब आपकी उससे बात हुई थी? मेरी परसों बात हुई उससे, मेरी परसों बात हुई। बोला दीदी मेरी 10 की टिकट हो गई है, मैं आ रहा हूँ, किसी को बताना मत, सरप्राइज दूंगा मैं, हर बार की तरह सरप्राइज दूंगा मैं आके। उसका बर्थडे था 10 तारीख को, 10 तारीख को बर्थडे था मेरे भाई का। तो कब आपको पता चला और छुट्टी कब आया था, क्या बातें करता था? हमारी दुनिया था हमारा भाई छोटा, पापा के जाने के बाद वही था हमारा प्राउड, उम्मीदें सब कुछ, हर चीज संभालना। इतनी छोटी सी उम्र में पापा को खो देने के बाद भी कभी उसने हिम्मत नहीं तोड़ी, बस अपने भाई, अपनी बहन, उसका गांव, सब उसका परिवार था, और हमारे लिए वो हमारा परिवार था। आज वो नहीं है, क्या भावनाएं मन में आ रही हैं? नहीं है, बस नहीं है। अगर एक बहन बोलेगी तो बोलेंगी कि मेरा भाई चाहिए मुझे, हर हाल में मेरा भाई चाहिए। मुझे पता था ये उसकी डेस्टिनी यही थी, उसको यही चाहिए था हमेशा, देश सब उसके लिए। मैंने बोला था भाई तू हमारा है, बोलता नहीं थी आपके लिए सबसे बाद में हूँ मैं, पहले अपने देश के लिए हूँ। जिस तरह सीमा पे यह घटनाएं होती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या करेंगे कार्रवाई करके, एक कार्रवाई करेंगे वो दोबारा कार्रवाई करेंगे, मेरे भाई जैसे और बहनें रोएंगी, क्या करेंगे, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो।